रात के बज रहे थे 2:30 और यश सो चुका था 11:30-12 के करीब। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, टाइम पे सो गया है, अब रात में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1:30 बजे ही एंजल को डांट के सुलाया था। बट ये तो भाई 2:30 बजे उठ गया और मेरी 2:30 बजे के बाद से मेरी तो नींद हो गई ख़राब, बिल्कुल नहीं सोया ये लड़का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और एंजल बेचारी स्कूल के लिए रेडी हो ही रही थी कि पता चला छुट्टी है। एंजल भी रात को लेट सोई थी और रात को मैंने मतलब मन नहीं था, स्टार्ट तो मैं अगले दिन से करती हूँ। तो बस कल रात को वो भी मतलब टाइम पे सो गया था, सही टाइम पे। मैंने कहा चलो सो गया है, मैं भी सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। और लेट गई थी तब भाई वो लड़का 2:30 बजे उठ के बैठ गया। उसके बाद उसने मेरी पूरी रात गई, पता नहीं 3:30-4 बजे करीब वो सोया। और टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था क्योंकि फ़ोन भी दूर रखा था और एंजल भी उससे जब वो उठा था उससे थोड़ी देर पहले ही सोई है एंजल भी, 1:30 बजे करीब। और अब इसकी छुट्टी है, बस अब एंजल सोएगी, नाश्ता करेगी हैं। अरे बाप रे, यहाँ बस मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी और जो भी बर्तन वर्तन थे सब समेट कर, और ये थी मेरी दवाई, जी दारू की बोतल नहीं थी ये दवाई थी, और इस दवाई को मैंने लिया था। और आज मेरे को छाछ वगैरह बनाना था, तो वैसे तो बनाने मुझे गोभी के पराठे थे बट गोभी के पराठे नहीं बनाए मैंने सुबह, इसीलिए तो मैं लंच रेडी करने में जग गई और काम वाम करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा अपना फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी क्योंकि मैं रात में भी ढंग से नहीं सो पाई। यस सोया था सुबह 5 बजे के करीब और उसके बाद थोड़ी बहुत फिर मैं थोड़ी देर बाद उसके मतलब मैं लेटी हूँ अपना, तो बस मैं यहाँ पे मैं अपना काम वाम ख़त्म कर रही थी। मैंने कहा फटाफट काम ख़त्म हो जाए तो करती हूँ। आप कितना भी रूम को अच्छा करने की कोशिश कर लो, कितना भी सजाने की कोशिश कर लो या कितना भी सेट कर लो, बट ऑब्वियसली यार साथ में छोटे बच्चे तो नहीं हो पाता। मैं कितना मैनेजेबल करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ ये चीज़ यहाँ मैनेज करो, ये चीज़ यहाँ मैनेज करूँ, बट नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों सब बिखर जाता है इधर से उधर। और इनफैक्ट जैसा सोचते हैं ना तो हमेशा तो उसका उल्टा ही होता है। बट फिर मैं ये सोचती हूँ यार कि क्यों इतना परफेक्ट बनना है, मतलब किसको इतना परफेक्ट बन के दिखाना है। ऑब्वियसली हर लेडी या फिर हर लड़की, हर माँ, कोई भी, बस हर किसी को फिर यही लगता है कि बस मैं ये काम परफेक्टली करूँ, मैं ये काम परफेक्टली करूँ। ज़रूरी नहीं है यार, आपको किसी को दिखाना है क्या इतना परफेक्ट बनकर, हद है। गुड मॉर्निंग, याचू हाँ मेरा लंच हो गया था रेडी और इसके पापा ने बनाया था चिकन आज और मम्मी ने बोला था कि छाछ भिजवाया था, मठा निकाला था उन्होंने ना मक्खन में से, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आलू का रायता बनाना। तबीयत थोड़ी ढीली थी इसलिए व्लॉग नहीं आया, एडिट हो गया है। ओवर वॉइसिंग करनी है सो वो नहीं, मतलब वो रह रही थी तो वो हो गई है। हाँ बस उसको सेव करना है एंड देन पोस्ट, तो कल मिल जाएगा नया व्लॉग। उसके बाद परसों और सॉरी शाम को ही मैं ये वाला डाल दूँगी। और ये वाला मंगलसूत्र मैंने मीशो से ऑर्डर करा था, इसमें 2 पीस आए थे सेट में, 170 के 2 थे। गोल्डन चैन है कुछ इस तरीके से ये, और उसके बाद फिर ये गोल्ड की चैन और ये मोती ब्लैक और गोल्ड, फिर ये चैन, फिर गोल्ड के ये ब्लैक वाले मोती, एंड बड़ा ब्यूटीफुल सा आप देख सकते हो। मतलब सन टाइप में है कुछ अच्छा है, तो
फिलहाल एक तो मैं घर में पहनती थी वो था वी शेप में ऐसे, तो बस उसको फिलहाल तो मैंने अभी पता नहीं कहाँ लास्ट टाइम जब पहना था वो तो उतार रहा था, तो पता नहीं मतलब भूल गई किस बॉक्स में रख दिया, तो इसलिए नहीं मिल रहा था इसलिए ये डाल लिया घर में। और कल है एनिवर्सरी हमारी, और तो हमें कल जाना है मंदिर, और मंदिर के बस मैं यहाँ बाहर से आकर और यश ने पेट वीट किया, उसके बाद मैं फटाफट अपना खाना बनाने लग गई थी। और यहाँ मैंने बनाया था चने की दाल, क्योंकि वो बॉयल हो गई थी और नीचे पापा आ गए थे, इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी वही तड़का लगा रही थी। तो बस अपना डिनर रेडी करके फिर मैंने फटाफट सबको खाना वाना खिलाया।
हाँ ये बाबू ने बंद कर दिया। बाबू तो सो रहा है। फाइनली अब मैं हो गई हूँ फ्री। डिनर विनर कंप्लीट, बर्तन भी धुल गए हैं। बस दो प्लेट रह गई थी, पानी नहीं आ रहा था। अब सुबह चढ़ाएंगे तब तो प्लेट तैयार धोएंगे। अरे हमारा महाराज सो गए हैं, कब से उठा रहे हो, उठ ही नहीं रहा है। अरे ये एंजल ये वाला गाना सुन के ना अपने एक्शन दिखाने लग जाती है फोन में देख के। सो फिलहाल अरे ये मेरी वीडियो बना रही है, उठ गए हो, कितनी देर खेलोगे? और यू बॉय अरे मैं को तुमको देखना है। यस तुमको देखना है मुझे तो। यस यस क्या पापा आप तो ये 12 और आज है हमारी सालगिरह। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ही एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।